It was in 1900 that India first sent its athlete for the Summer Olympics. It was Norman Pritchard, who got the silver medal in 200 meters hurdles and 200 meters in Paris. While the IAAF in its official record has listed Pritchard's as an athlete who competed for Great Britain, many believe that he competed for India. India had sent its first team to the Summer Olympics in 1924, and since then they have won medals in hockey, shooting, wrestling, boxing, badminton, but none in athletics. And with the recent show of good performance in the Asian Games, former Indian athlete Shiny Wilson is hopeful of an Olympic medal from India in the 2020 Tokyo Olympics. अभी तक एथलेटिक्स में कोई मेडल नहीं है. वो पीटी उषा फोर्थ आई या मिल्का सिंह फोर्थ आई, ऐसा हम लोग रिले में मैं वो उषा वंदना राव वल्सम हम लोग फाइनल में आ गया, लेकिन हमको एथलेटिक्स में अभी तक मेडल नहीं मिला ओलंपिक्स में. इस अगले ओलंपिक्स में जापान में ज़रूर इंडिया एथलेटिक्स में एक मेडल जीत के आ जाएगा, वही हम प्रार्थना कर रहे हैं. Talking about the drastic changes in athletics in today's time and how it was in her playing days, Wilson said, "हमारे टाइम तो हम लोग ना 84 ओलंपिक्स जाने का टाइम ना इतना ट्रेन से जाता था वापस आने का, ऐसे हमारा तो कभी है ना रिजर्वेशन भी नहीं था, ऐसे था ऐसा एंकरेजमेंट नहीं था. फिर उसके बाद है ना 86 एशियन गेम्स का टाइम प्राइस मनी भी आ गया था, उसका पहले कुछ नहीं था. फिर भी हम लोग इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था एशियन लेवल में ही, एशियन गेम्स में भी एशियन चैम्पियनशिप में जाएगा तो 100 कार्ड मेडल जीत के आता था. वो अभी ऐसा बच्चा लोग और एंगेज पैसा वगैरह ऐसा आज शूज़ के लिए इतना महंगा है, वो जाने का फ्लाइट का जाना है, वो कॉम्पिटिशन का वो सब पैसा चाहिए ना, इसलिए तो वो लोग को पैसा वगैरह देना है, ज़्यादा इंकरेजमेंट देना है. फिर भी एथलेट्स है ना हम लोग को एथलेट्स है ना वो साइंटिफिक ट्रेनिंग देना है बच्चे लोग का. फिर हमारा अभी पहले ऐसा नहीं है सब जगह में सिंथेटिक ट्रैक है, इसलिए तो थोड़ा और है हम लोग एथलेट्स थोड़ा और. लास्ट एशियन में हमारा एथलेटिक्स अच्छा परफॉर्मेंस किया, इतना अच्छा परफॉर्मेंस हमको टीवी देख के इतना खुशी हो गया ना देख के, वो हमारा एथलेट्स इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है ना, मेरे ख्याल में हमारा एथलेट्स और जाएगा हमारे नेशनल के देश के लिए मेडल जीत के आ जाएगा. The former national champion in 800 meters is impressed by Indian track queen Hima Das. और हिमा दास है ना बहुत छोटा एज में इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, अच्छा परफॉर्मेंस हमारा टाइम भी 18 नहीं वो तो से पहले किया अच्छा परफॉर्मेंस. उषा वारा 18 ईयर्स में भी 18 ईयर्स में एशियन लेवल में गोल्ड मेडल जीता 18 ईयर्स में ओलंपिक्स वगैरह हम लोग भी 18 ईयर्स, लेकिन वो उससे छोटा टाइम में वो वर्ल्ड लेवल में हमारा टाइम इतना नहीं था ना, फिर भी वो वर्ल्ड लेवल में जाएगा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा. Wilson has high expectations from both Hima Das and Neeraj Chopra in the Tokyo Olympics. Both medal mein sab Olympics mein Neeraj Chopra ka chances hai, shayad na Hima Das ko malum nahi hai, dekhenge acha performance hi karega medal ka dekhenge.